नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं तीन अक्टूबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज रविवार है आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो रात्रि में दस बज करके उनतीस मिनट तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है मघा नक्षत्र है साध्य योग करण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज सिंहराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बजकर के 44 मिनट से दोपहर बारह बजकर के दस मिनट तक का तो वहीं राहुकाल शाम साढ़े चार बजे से छह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज द्वादशी श्राद्ध है प्रिय दर्शकों आज रविवार है रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और एक जानने योग्य जानकारी राशि से संबंधित आज आपको देने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं गृहस्थितियों की राहु और वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा सिंह राशि में सूर्य मंगल और बुध ये तीनों ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं केतु शुक्र युति बनाकर वृश्चिक में तो वहीं देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में, में तीन ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं और वहीं देखा जाए तो चंद्रमा आज मघा नक्षत्र ये केतु का नक्षत्र है तो केतु के नक्षत्र में आज संचरण कर रहे हैं रविवार का दिन और केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा बाकी की स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं कौन सा वो कार्य है जो आज आपको अवश्य कर लेना चाहिए और कौन सा वो कार्य है जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए तो कैसा रहने वाला है दिन इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं वैसे तो नियम यह कहता है कि लिमिट में ही सोना चाहिए लिमिट में ही भोजन होना चाहिए सब कुछ लिमिट में हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है यह आयुर्वेद का नियम है लेकिन एक ऐसी राशि भी है जिसके लिए कहा जा सकता है कि हो सके तो भोजन थोड़ा कम भी ले लो परंतु नींद कम नहीं होना चाहिए नींद जितनी इच्छा हो उतनी सो नींद की आवश्यकता इस राशि को सबसे ज्यादा है और वो क्यों क्योंकि ऊर्जा को नियंत्रित अगर करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है निद्रा लेना अगर व्यक्ति सही से निद्रा न ले तो ऊर्जा अनियंत्रित हो जाएगी और वो राशि है मेष मेष राशि के जातकों के लिए यह बात सदैव ध्यान में रखना होता है कि आप अपने नींद पर कभी कंट्रोल मत करिए नींद में कमी मत करिए बाकी के काम आगे पीछे होते रहेंगे मैंने सबसे जरूरी भोजन को कहा कि वह भी थोड़ा कम हो तो चल जाए परंतु नींद की कमी हो तो यह नहीं चलेगा और आपको शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के विश्राम पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए अब सवाल उठता है ऐसा क्यों क्योंकि ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है सूर्य यहीं पर आकर के उच्च के होते हैं इस राशि के या इस लग्न के जातकों की बात करूं तो ऊर्जा का लेवल इनका बहुत ज्यादा होता है और ऊर्जा को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है निद्रा लेना नींद लेने से व्यक्ति शांत हो जाता है अनियंत्रित ऊर्जा भी नियंत्रण में आ जाती है तो मेष राशि के जातकों को शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के विश्राम पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए और दुर्घटना की अवस्था में चाहे वो वाहन दुर्घटना या किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो उसमें सबसे ज़्यादा भय माथे में सर में चोट लगने की होती है ऐसे जातकों की सर में चोट बहुत शीघ्र लगती है और चोट लगना कोई बड़ी बात नहीं अगर दुर्घटना बड़ी है तो मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है तो इस राशि के जातक अगर वाहन चलाते हैं विशेष करके दुपहिया वाहन तो अपनी सुरक्षा की जो भी आपके पास व्यवस्था बनाई गई है उस सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही रहिए क्योंकि दुर्घटना के दौरान जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान को जाएगा वो सिर है मस्तिष्क है और ये क्षतिग्रस्त हो गया तो समझ लीजिए सब कुछ क्षतिग्रस्त हुआ तो आपको अपने माथे का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए तो अगर मेष लग्न या राशि के हैं आप तो इस बात को नोट कर लीजिए और गांठ बांध करके रख लीजिए स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए लाल रंग का ही आसन आपके पास होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात तो ताम्र पात्र पात्र में जल ले लीजिए और पूर्वाभिमुख होकर के आसन पर बैठ जाइए हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए अपने गुरु का ध्यान करिए और इसके पश्चात श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए तीन बार आचमन करिए जब आपने आचमन कर लिया अब इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ आप आज्ञा प्रदान करें भैरव जी से जैसे ही आपको आज्ञा मिल जाती है दाहिने हाथ में जल लीजिए बाएं हाथ से इस जल को ढकीये और तीन बार गायत्री मंत्र पढ़िए आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं इसके पश्चात अब आपको प्राणायाम करना है रेचक कुंभक पूरक विधि आप सभी जानते हैं ये बहुत आवश्यक है सबके लिए आवश्यक है रोज कहता हूँ हर सप्ताह कम से कम एक बार ये बात कही देता हूँ तो प्राणायाम सबको करना है आप प्राणायाम की विधि जानते हैं जो नहीं जानते संपूर्ण विधि यहाँ इस लिंक पर आप आ जाइए आपको प्राणायाम की संपूर्ण विधि मिल जाएगी अगर आप फेसबुक पर इस राशि फल को देख रहे हैं तो इस लिंक को पाने के लिए आपको यूट्यूब पर ही आना होगा और अब आपने जबकि प्राणायाम कर लिया प्राणायाम कर लेने के पश्चात पुनः दाहिने हाथ में जल लीजिए और बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और मन ही मन कल्पना करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं कायिक वाचिक मानसिक वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं ऐसा मन में सोचिए और जब आपका श्वास छोड़ना बंद हो जाए इस जल को बिना देखे ओर फेंक दीजिए हाथ धो लीजिए और अब आप खड़े हो जाइए जल पात्र लेकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके तीन बार ओम स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायण नम अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ थोड़ा झुक करके दिया जाता है तीन अर्घ्य देने के पश्चात अब आप आसन पर बैठ जाइए और अब आपको गायत्री मंत्र का जब कर लेना चाहिए ग्यारह के सवन जितना आपसे हो सके अपने अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए समय के अनुसार आप कर लीजिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी चलते हैं राशि फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है बढ़िया है दिन चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में केतु के नक्षत्र में है और बाकी की ग्रह स्थितियों को देखें तो वैसे तो ये चंद्रमा गुरु के साथ छठवें आठवें का संबंध बना रहे हैं लेकिन केंद्र और राशि से पंचम का यह संबंध है सुचिंता की कोई आवश्यकता नहीं अपने विचार अपने ज्ञान अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप ऐसी कोई समस्या नहीं कोई उलझन नहीं जिसको सुलझा न ले छुट्टी का दिन है तो परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है और चंद्रमा चूंकि इस समय आज ज्ञान में संचरण कर रहे हैं तो अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए आने वाले दिनों की भविष्य की योजना बनाइए अपनी ऊर्जा का सही सही इस्तेमाल करिए और अपनी ऊर्जा को घर परिवार में लगाइए परिवार को समय दीजिए अपने बच्चों को समय दीजिए बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए दिन शुभ है हर प्रकार से व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन व्यापार में किसी तरह की कोई चिंता है तो वो चिंता दूर हो जाएगी प्यार का इजहार करना चाहते हैं किसी से और कोई बात कहना चाहते हैं तो आज कहिए है। अविवाहित हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन विवाह प्रस्ताव से संबंधित चर्चा होगी हालांकि समय पित्रिपक्ष का समय है तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ ये बातें तो नहीं चल सकती लेकिन जिनके यहाँ हो रही हो तो गृह स्थिति बताती है कि हो सकता है और प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की बात करूँ तो वैसे मन बहुत अच्छा तो नहीं लग कहूंगा कि पढ़ाई में लगेगा लेकिन ठीक है जितनी भी पढ़ाई होती है वो आपके लिए परिपूर्ण है स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है कोई खतरा नहीं स्वास्थ्य हर तरह से बढ़िया है लकी अंक आपके लिए आज चार और लकी कलर आपके लिए आज पीला है भुवन भास्कर को वर्ग प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थस्थ होना केतु के नक्षत्र में शांति से दिन को निकालने की कोशिश करनी होगी हालांकि मैं बता दूं कि परिवार का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा परंतु किसी भी तरह के सामाजिक कार्य का हिस्सा बनना किसी भी तरह के ऐसे जगह पर जहां भीड़ भाड़ हो आपको आज नहीं जाना चाहिए व्यापारी वर्ग की बात करूं तो कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे तो मत करिए हाँ पुराने कार्यों को ठीक करने के लिए जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए यही आपके बस में है व्यापारियों की बात करूं तो अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए आपको आज जीतोड़ मेहनत करनी चाहिए और परिवार के सदस्यों के साथ ही आज का दिन व्यतीत करना चाहिए जो कि आपके पक्ष में है परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करनी चाहिए अगर किसी के साथ भी संबंध में खटास है हर तरह से दिन ठीक ठाक हो जाएगा और विद्यार्थियों के लिए मिला फल देने वाला है दाम्पत्य जीवन सामान्य परंतु प्रेमियों के लिए आज तूतुमय मैं भरा है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आपको कहीं जोड़ों में दर्द इत्यादि थी या माइग्रेन के आप रोगी थे तो आपको राहत मिलेगी लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज लाल है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी मिथुन की बात करें तो पराक्रमस्थ चंद्रमा दिन का पूरा पूरा लाभ देंगे आज छुट्टी आपके लिए नहीं दिखाई पड़ रही है सो जितने भी जरूरी काम हैं उसको पूरा करिए इंतजार नहीं करना है जो काम आज हो सकते हैं उन्हें करिए और जो काम आप करते हैं उसका लाभ भी मिलेगा साथ ही साथ घर के कार्यों को भी करने का समय निकालिए घर में चाहे वो मरम्मत का काम हो कुछ फेरबदल करना हो सब करिए घर परिवार को समय भी दीजिए यानी आज देखा जाए तो दिन की तैयारी कुछ ऐसी करिए कि परिवार को भी समय देना है व्यापार को भी समय देना है नौकरी पेशा है तो अपने काम को भी थोड़ा समय निकाल करके दीजिए अगर कुछ बाकी है और अपने काम बाहर से लेकर के भीतर तक सारे काम करिए व्यापारियों को व्यापार में अचानक बड़ा लाभ होता दिखाई पड़ रहा है परंतु आज क्रोध से आपको बचना है क्रोध पर अपने काबू रखना है प्रेम संबंध में मजबूती आएगी दाम्पत्य जीवन सुखद प्रेम संबंध में अगर कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी तो वो दूर हो जाएगी

चंद्रमा का राशि से द्वितीय धन भाव में होना धन लाभ कराने योग्य है दिन बढ़िया है दिन आपके लिए भी कोई रुका हुआ काम था कोई रुका हुआ पैसा था वो मिलेगा परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिए और सकारात्मक सोच बनाकर के परिवार के साथ ही आज समय बिताइए ज्यादातर समय आपका अपने परिवार अपने बच्चों अपने जीवन साथी के साथ ही बीतना चाहिए माता पिता के साथ बीतना चाहिए इसी से खुशी मिलेगी भविष्य में क्या करने वाले हैं कहाँ का निवेश करने वाले हैं इसकी योजना बना सकते हैं और व्यापारियों की भी बात करूँ तो व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है व्यापार में लाभ रहेगा आज किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है किसी मित्र से मिलने के लिए जा सकते हैं हालांकि समय व्यर्थ मत गवाइएगा और प्रेम संबंध मधुर है कहीं कोई दिक्कत नहीं दाम्पत्य जीवन भी ठीक बस जीवन साथी की भावनाओं को किसी बात से आहत मत करिएगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए मेहनत करने से पीछे मत हटिए सफलता मिलेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है परंतु चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है तो इस मामले में जरा सावधान आपको रहना होगा और आज लकी अंक आपके लिए देखा जाए तो दो है और लकी कलर आपके लिए आज केशरिया भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी के लिए देखें तो राशि पर ही है आपके चंद्रमा केतु के नक्षत्र में या आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराएंगे मन कई बार आज हो सकता है थोड़ा सा भटके भी अशांत भी हो परंतु सब कुछ अच्छा होने लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है एक नया जोश भरने वाला है दिन घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या थी या पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी आप उसे सुलझा लेंगे एक अच्छा दिन है एक ऐसा दिन जिसे हम मीठा दिन कहेंगे हर तरह से सब कुछ अच्छा खुशहाली ही है और धैर्य रखते हैं तो आपका सारा काम भी बन जाएगा व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन व्यापार में अगर कोई परेशानी थी तो सावधानी से आप बातचीत करिए बातचीत से ही आपकी समस्या का समाधान होगा परेशानी भी अगर किसी बात की है तो फिर वही बात कहूँगा कि शांति के साथ धैर्य के साथ आप काम करिए सभी काम होंगे और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूँ प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं है दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद और विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ रहने वाला है दिन यानी मेहनत अगर आप करते हैं तो पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है बस आज किसी भी तरह के बहुत अधिक ठंडे पदार्थ से ठंडे पेय पदार्थ से आज आपको बचना होगा लकी अंक आज, आज आपके लिए आज आठ है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी कन्या की बात करें तो चंद्रमा का राशि से बारहवें होना मन को सकारात्मक रख करके आगे बढ़िए कोई दिक्कत नहीं है दिन बढ़िया है कोई परेशानी नहीं कोई कष्ट नहीं कोई उलझन थी उसे आप सुलझा लेंगे परिवार का साथ मिलेगा परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग वैसे तो सबकी आज छुट्टी ही है लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है दिन पूरे दिन कोई ना कोई नए ख्यालात मन में आते रहे उस पर काम करके आप आगे बढ़िए सफलता आपको मिलेगी लेन देन आज नहीं करना है वाणी पर नियंत्रण पूरी तरह से रखिए और केवल संदेह के आधार पर किसी को के साथ कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा किसी को ऐसा मत बोली अपमानजनक शब्द अभद्र शब्द का प्रयोग मत करिए प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक आपका देख रहा हूं दाम्पत्य जीवन सुखद जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा तो वही बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है मेहनत ज्यादा होगा और भ्रम की स्थिति बार बार बनेगी ध्यान आपका भटेगा ध्यान भटकेगा मानसिक थकान भी आपको महसूस हो सकता है या डर इस बात का है कि पुराना रोग फिर से आपको परेशान करे लकी अंक आपके लिए चार है लकी कलर आपके लिए सफेद है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात अगर हम तुला की करें तो चंद्रमा का राशि से लाभ में होना केतु के नक्षत्र में धन लाभ कराने वाला योग है विशेषकर धन लाभ बाहर से तो नहीं लेकिन कहीं फंसा हुआ पैसा था उसे आने की स्थिति में देख रहा हूं उससे आपको खुशी मिलेगी प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया पारिवारिक जीवन में सुधार आज का समय आज का दिन कुछ स्टाइलिश है हर तरह के काम आपके होंगे और शौक पर अपने आप समय देने वाले हैं अपने लिए आज आप समय अवश्य निकालेंगे व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया देख रहा हूं प्रेम संबंध के लिए कह सक सकता हूँ बहुत बढ़िया है दिन प्यार का इजहार आप कर सकते हैं और बात वहीं अगर दाम्पत्य जीवन की करें तो वो भी सब तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आज जीवन साथी का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा बल्कि कोई मतभेद परेशानी थी तो आज ही उसे सुलझा लेने का प्रयत्न करिए प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के लिए भी प्रयत्न कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं और विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होने वाली है यानी कहा जा सकता है कि तुला राशि के जातकों को हर तरह से लाभ ही लाभ है स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही स्वास्थ्य को लेकर के आज निश्चिंत रहिए लकी अंक आपके लिए आज दो होगा और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगा बात अगर वृश्चिक की करें तो दिन शुभ है आपके लिए छुट्टी का दिन लेकिन इसलिए भी शुभ क्योंकि ऐसा कोई खुशखबरी आपको कोई ऐसा समाचार आपको मिलने वाला है जो कि आपको संतुष्ट कर दे जो आपके मन को शांत कर दे या पिछले कुछ दिनों से चली आ रही चिंता को दूर कर दे कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दिन अच्छा है सुखद है यात्रा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं काम बनने वाली है नौकरी पैसा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं बढ़िया देख रहा हूँ दिन समझ लीजिए कि पदोन्नति से ही संबंधित संकेत आपको प्राप्त होने वाले हैं और व्यापारियों के लिए तो विशेष सुखद रहने वाला है आज का दिन जो भी फैसला आप लेते हैं जो भी अधूरे कार्य कार्य हैं आपके वो सभी के सभी पूरे होते हैं सभी पूरे होंगे स्थायी होंगे उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा तो किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है वृश्चिक राशि के जातकों को आगे बढ़िए दिन हर प्रकार से फायदा आपको दे रहा है चाहे वो आपका जीवन साथी हो आपका प्रेमी हो माता पिता सबसे आपको सहयोग मिलेगा प्रेम मिलेगा विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी पढ़ाई में मन लगेगा जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद भी मिलेगी और दोस्तों के साथ अच्छा समय भी बीतेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ब्लड प्रेशर के अगर मरीज हैं या किसी भी तरह की कोई पुरानी समस्या कोई पुराना रोग आपको है तो उससे सावधान रहिएगा परेशानी हो सकती है लकी अंक आज आपके लिए तीन है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी धनु की बात करें तो भाग्य आपके साथ है जितने भी सोचे हुए काम है के करके सब पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं और जो काम आप शुरू कर रहे हैं जो जिस कार्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं समझ लीजिए उसका भी आपको लाभ मिलेगा जब भाग्य आपके साथ है तो सीधी सी बात है कि आप हर कार्य को बेहद आसानी से कर सकते हैं और ये भी कहा जाएगा कि जो भी काम आप करेंगे उसका शत प्रतिशत लाभ मिलेगा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए हुए आगे बढ़िए व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है कोई कुछ बड़े कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है किसी भी तरह का क्रोध या घर परिवार के सदस्यों पर अपनी सोच को थोपना ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है सबके साथ आज सम्मिलित जीवन बिताइए परिवार के सदस्यों के साथ जितना हो सके घुलमिल करके समय बिताइए अच्छा रहेगा दाम्पत्य जीवन भी सुखद प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयत्न करिए लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई तकलीफ नहीं कहीं कोई परेशानी नहीं स्वास्थ्य में बल्कि कोई तकलीफ परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी लकी अंक आपके लिए आज आठ है लकी कलर मैजेंडा भुवन भास्कर को क्वर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी मकर की बात करें तो अष्टमस्त चंद्रमा बस अचानक कोई फैसला मत करिएगा आगे बढ़ने का जब मौका मिले तो मौके का फायदा उठाइए परंतु एकाएक कोई निर्णय आपने ले लिया और निर्णय लेकर के उस पर चल पड़े ऐसा नहीं करना है कोई पुरानी चली आ रही समस्या उसका आज नए सिरे से बैठ करके एक बार विचार करिए और समस्या को खत्म करके ही मानिए किसी से वाद विवाद है टेंशन है मतभेद है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए थोड़ा झुकना भी पड़े तो कोई बुराई नहीं है परिस्थितियों को ठीक करने के लिए जो बन पड़े वो करिए जीवन साथी से मतभेद ससुराल पक्ष से मतभेद है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए और जो भी अवसर आपको मिल रहा है उस अवसर का लाभ उठाइए आज आपकी आपके हर कार्य में या जरूरत पड़ने पर आपको आपके मित्र की मदद मिल जाएगी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन मेहनत अधिक परंतु लाभ मिलेगा योजनाबद्ध ढंग से अगर कर काम करें तो मकर राशि के जातकों को आज विशेष लाभ मिल सकता है बस जल्दबाजी में न तो कोई काम करना है न जल्दबाजी में कोई फैसला निर्णय नहीं लेना है प्रेम संबंध में अगर कोई बात विवाद है उसका निपटारा कर सकते हैं शाम तक हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी और विद्यार्थियों की बात करूँ तो नोट्स तैयार करिए जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद लीजिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में चल रही परेशानी आज यथावत रहेगी थकान और आलस्य की स्थिति से भी आप परेशान रहेंगे लकी अंक आपके लिए आज पाँच है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी कुंभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से सप्तमस्थ होना देखा जाए तो ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं आज का दिन ठीक है समस्याओं को सुलझाने के लिहाज से आज का दिन ठीक है दांपत्य जीवन में चल रही मतभेद को दूर करने के लिहाज से आज का दिन ठीक है व्यापारिक पार्टनर से चल रहे मतभेद को बातचीत करके दूर करने के लिए और आज का दिन ठीक है परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिहाज से तो परिवार के साथ समय बिताइए अच्छा समय बिताइए और ज़्यादा कुछ नया प्रयास नहीं करना है कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं जो जैसा चल रहा है वैसा करते रहिए फायदा मिलेगा नया कुछ करने की योजना बना भी रखिए तो मत करिए यात्रा से जरा बचिए परहेज करिए या बहुत फुलफिल तैयारी हो तभी यात्रा करिए व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है परंतु फिजूल खर्च से आज आपको बचे रहना चाहिए और किसी से किसी भी प्रकार के बहस पे नहीं पड़ना चाहिए जैसा मैंने कहा कि आज के दिन को बेहद शांति से बिताने का प्रयत्न करिए प्रेमी से सहयोग मिलेगा जीवन साथी से सहयोग मिलेगा परंतु विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा आज के दिन को संशयात्मक कंफ्यूजन की स्थिति होगी हालांकि कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो आज सफलतादायक नहीं है दिन कोई परीक्षा आप दे रहे हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा आपका मन ही कही न कहीं ना कहीं अशांत या बेचैन रहेगा जिसके चलते रिजल्ट जैसा होना चाहिए वो होगा नहीं सुस्ती आप पर हावी रहेगी जो चीज़ आ रहा हो उसमें भी आप कमी करेंगे सावधानी जरूरी है आज कुंभ राशि के जातकों के लिए लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज बादामी है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी मीन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से ष्ठ में होना दिन सामान्य है व्यस्तता भरा है दिन छुट्टी के बावजूद आज छुट्टी नहीं मिलेगी लेकिन हर कार्य में परेशानी जरूर होगी अब सावधान होकर के ही आपको काम करना है पार्टनरशिप में अगर मतभेद है तो वो समस्या और आज बढ़ सकती है उसे सुलझा नहीं पाएंगे आप वाद विवाद बढ़ता ही दिखाई पड़ रहा है हालांकि किसी भी तरह के वाद विवाद से आज आपको दूर रहना है कम से कम कोई नया वाद विवाद पैदा न हो किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा आप उधार लीजिएगा भी मत व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बहुत संभल करके आपको काम करना है बहुत संभल करके आपको रहना है विशेष करके पैसों का तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है और फिर से एक बार दोहराता तो हूं विवाद से बचना है आज मीन राशि के जातक वाहन न चलाएं चलाते हैं तो बेहद सावधान रहें दुर्घटना की संभावना है और जीवन साथी से मतभेद न करें जीवन साथी की भावनाओं को समझें उनके साथ किसी भी बात पर उन पर दबाव मत डालिए विद्यार्थियों की बात करूं तो मन आज आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा किसी भी तरह के शिक्षा के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना साफ साफ दिखाई पड़ रही है सावधान रहिए थकान की भी स्थिति है बहुत सतर्क और सावधान रहना है मांसाहार हर मद्यपान से दूरी कर बना करके कर रखिएगा लकी अंक नौ लकी कलर आपके लिए आज हरा है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगा तो प्रिय दर्शकों ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार